श्री हनुमान बेनीवाल। सभापति महोदय, सदन में आज वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही है। रुको यार, फर्स्ट बोलने दो, 500 मसाल। हमारे मंत्री जी राजस्थान चाहते हैं, ये सब हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विशेष रूप से राजस्थान के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी संभावनाएं, वन्य जीव क्षेत्र, अपना वन संरक्षित क्षेत्र बढ़ाने का भी बहुत बड़ा भूभाग है राजस्थान का। इस ओर आप विशेष ध्यान दें। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिखे अनुसार विधेयक वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि भारत दुनिया के सबसे बड़े जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है, और मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि संरक्षित वन्य जीवों के खिलाफ अपराध उल्लंघन के मामले में जुर्माना राशि बढ़ाने से बड़ा सुधार आएगा, लेकिन कानून में कठोरतम से कठोरतम सजा और प्रकरण में त्वरित कार्रवाई भी जरूरी है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूँ कि ICUN के अनुसार संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में भारत में पाई जाने वाली 239 जीवों की प्रजातियाँ लुप्त प्राय, जिसमें स्तनधारियों की 45 प्रजातियाँ, पक्षियों की 23 प्रजातियाँ, सरीसृप की 18 प्रजातियाँ, उभयचरों की 39 प्रजातियाँ और मछलियों की 114 प्रजातियाँ शामिल। मेरे राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन की प्रजाति भी लुप्त प्राय होने को है, जो चिंताजनक है। मंत्री महोदय, राजस्थान के अंदर आप देखते थे, आप भी वहीं से आते हैं, हम भी वहीं से आते हैं, 35-40-30 साल पहले की बात है, बच्चे हुआ करते थे, स्कूल में पढ़ते थे, गिद्ध आते थे, कोई पशु मरता था गांव के अंदर तो गिद्ध अपने आप आते थे और उस पशु मरे हुए पशु का मांस वो खाते थे, किसी तरह की दुर्गंध नहीं फैलती। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि पशु मरते रहते हैं और उनको उठाने वाला नहीं, हाहाकार मच जाता है, दुर्गंध फैल जाती है, कई बीमारियाँ इससे आ गई, तो गिद्ध भी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। मैं मंत्री जी आपका ध्यान देना चाहूँगा, आज सुबह एक डिजिटल पत्रिका पढ़ा, उसमें संकटग्रस्त और लुप्त प्राय प्रजातियों को लेकर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI की 19-20 की एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया कि भारत में भी संकटग्रस्त प्रजातियों का बढ़ता अवैध व्यापार चिंताजनक और इसके लगातार बढ़ने को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई। मंत्री जी, वन्य जीव प्रेमी और ऐसे मामलों को लेकर लिखने वाले कई लोग चिंतित है। एक प्रतिनिधिमंडल ने मुझे 18 दिसंबर 2021 को द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के हवाले से बताया कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से हाथियों को रिलायंस अंबानी द्वारा संचालित राधे कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट के सुपुर्द किए गए। इसी खबर में बताया गया कि रिलायंस ने जामनगर गुजरात में स्थापित अपनी रिफाइनरी के नज़दीक 280 एकड़ क्षेत्र में एक चिड़ियाघर बनाया, जहां वन्य जीवों की कई प्रजातियों का प्रबंधन किया जा रहा है। इसलिए जीवित हाथियों के ट्रांसपोर्टेशन को वैध बनाने की पहल विधेयक कर रहा है। हाथियों के विषय में इस प्रस्तावित कानून के प्रावधान वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में प्रगति को मिटा देने जैसे हैं। इस संबंध में जब आप जवाब दें तो जिस स्थिति को जरूर स्पष्ट करें कि किसी तरह का अवैध परिवहन कोई किसी भी हालत में नहीं करे, ये इसके अंदर आप बताएं। मंत्री, जो संशोधन आपने इस विधेयक में किए उसको लेकर कई तरह की शंकाएं, आज लोगों का कहना कि केंद्र सरकार ने लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों को लागू करने के नाम पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 में कई प्रकार के संशोधन पेश किए, और इसके कारण लाभ होने के साथ वन्य जीवों के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। विश्व का कहना है कि इससे हाथियों का व्यापार शुरू हो सकता है, और मौजूदा कानून के तहत लकड़बग्घा, लोमड़ी, सियार जैसे जानवरों को मिली सुरक्षा छीनी जा सकती है। नतीजतन इन जानवरों की हत्या करने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनके चमड़े के गैरकानूनी व्यापार में बढ़ोतरी होने की आशंका है। इसके साथ ही केंद्र के प्रस्तावित संशोधन के चलते राज्य वन्य जीव बोर्ड के करीब करीब निष्क्रिय हो जाने की आशंका जताई गई है। कहा गया है कि राज्य वन्य जीव बोर्ड की जगह छोटे दर्जे की समिति बनकर प्रदान किया गया, जिसके पास न तो फैसले देने की पर्याप्त शक्तियाँ होगी न ही ये जवाबदेह होगा। इस पर भी मंत्री जवाब देते हुए स्पष्ट करें कि किस प्रकार इस बिल के संदर्भ में जो जन आशंकाएं उनका निराकरण आप करेंगे। इस बिल के प्रभावी होने के बाद ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी जिसका जिक्र मैंने अभी किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी स्टेट को वन भूमि पर खनन सहित गैर वन कार्यक्रम केंद्र की स्वीकृति जरूरी है। ऐसे में 31 मार्च 2022 तक विगत 10 वर्षों में राजस्थान में 145.45 हेक्टेयर और देश के विभिन्न राज्यों में 38,846.7 हेक्टेयर वन क्षेत्र में खनन की अनुमति किया गया। क्या आप राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों में ऐसी दी गई अनुमति का रिव्यू करवाने की एक टीम गठित करवा कर जांच करवाने का विचार रखते हैं कि कई प्रकार की दी गई अनुमति की आड़ में वन क्षेत्रों में अनुमति से अधिक क्षेत्र में तो खनन नहीं हो रहा और वन क्षेत्रों में खनन की समस्त गति में पाबंदी लगाने को लेकर आपका क्या विचार है, यह आप जवाब में जरूर दें। हमारे राजस्थान राजस्थान के भरतपुर जिले में पहाड़ों को बचाने के लिए अभी हमारे खनन अवैध खनन को रुकवाने के संत विजयदास जी महाराज को आत्मदाह करना पड़ा, उनकी मृत्यु हो गई और वहाँ के जिम्मेदार उनके द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान सोते रहे, CBI जांच की मांग उठी और उस क्षेत्र में जो सरकार ने उसको संरक्षित क्षेत्र तो घोषित कर दिया लेकिन कई मंत्रियों के क्रेशर हैं, कई विधायकों के क्रेशर हैं, CBI जांच की मांग उठी और ED
वहाँ कार्रवाई कर सकती है। यह मैं मंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बाबा विजयदास जी ने जो आत्मदाह किए वो बलिदान दिया, वहाँ ईडी की कार्रवाई आप जगह जगह ईडी की कार्रवाई करा रहे हैं तो वहाँ भी करवा दें आप ईडी की कार्रवाई। तो कम से कम राजस्थान में अभी ईडी की कार्रवाई कम हुई साहब, कि हम चाहते हैं कि जो खनन माफिया जो मंत्री विधायक उस क्षेत्र से जिन्होंने धन अर्जित किया, और एक मिनट साहब बात तो समाप्त करना, राजा जी बात माइंड अप प्लीज, तो इसके अंदर आप ईडी और सीबीआई की कार्रवाई कराएं। साहब एक मिनट में मेरा लास्ट, इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए वन्य जीव पेड़ों की जो मेहता है उसको सब परिचय, जैसे राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिया, ये इतिहास जानता है। मेरा लास्ट में समाप्त कर रहा हूँ साहब, हमें फॉरेस्ट को बचाना है, लेकिन माइनिंग माफियाओं होटल व्यापारियों के दबाव में आज वन क्षेत्र संकट में। मेरे प्रदेश के चूरू जिले के स्थित ताल छापर अभयारण्य जिसमें 3000 से ज़्यादा काले हिरण है, इसमें सुधार के स्थान पर स्टेट गवर्नमेंट ने इसका इको सेंसिटिव जोन घटाने का फैसला किया, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर इसे क्या मंत्री जी इस पर ध्यान दें। लास्ट में मेरा समाप्त कर रहा हूँ साहब, प्लीज प्लीज माइंड अप नाउ प्लीज, आखिरी साहब आखिरी एक मिनट है ना, एक मिनट। राजस्थान में संरक्षित गोचर की भूमि को, जितनी हमारी गोचर है उसको विकसित करने, अंगूर की भूमि को संरक्षित कर उन्हें गौशालाओं के लिए आवंटित करने का गो अभ्यारण्य बनाने की जरूरत है, क्योंकि टाइगर रिजर्व के लिए जब प्रावधान हो सकते हैं तो गायों के लिए भी क्यों नहीं। अभी गायों में लंपी स्किन बीमारी फैली हुई है, उस पर नियंत्रण जरूरी है। आपके मंत्री संजीव बालियान जी ने संज्ञान लिया, टीमें भी राजस्थान के अंदर भेजी, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, गाय को बचाया जाए, राजस्थान से इसकी पहल आप मंत्री जी करें। एक ऊँट का मामला साहब लास्ट, मेरे स्टेट का ऊँट जो राजस्थान के अंदर पाया जाता है बहुत ही विशेष, श्री श्री रविंद्रनाथ कुमार, एक सेकंड लास्ट समाप्त करना, रविंद्रनाथ कुमार एक मिनट सभापति, यू ऑलरेडी टुक 7 मिनट्स इंसटेड ऑफ 5, सो मेनी स्पीकर्स आर देयर, मिनिस्टर हैज टू रिप्लाई। ऊंट के बारे में कह रहा था मंत्री जी, ऊंट विलुप्त होता जा रहा, राज्य पशु का दर्जा तो मिल गया, लेकिन ऊंट को कैसे बचाया जाए। ऊंटों के जो मेले पड़ते थे हमारे नागौर पुष्कर तमाम जगहों पर, आप अजमेर से पट गए हैं, ऊंट को हमें बचाना है। राज्य पशु का दर्जा घोषित कर दिया लेकिन इससे लोगों ने ऊंट पालना छोड़ दिया, ऊंट को हमें बचाना, ऊंटनी के दूध से किस तरह की, रविंद्रनाथ कुमार प्लीज, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट रविंद्र कुमार, बचाया जाए और गाय को बचाया जाए और वन्य जीवों को बचाया जाए। धन्यवाद सर, थैंक यू चेयरपर्सन सर।